नमस्कार, जी हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी और जी हिंदुस्तान इस वक्त सड़कों के ऊपर मौजूद है। मेरे साथ आप ये लगती हुई सड़क देख रहे होंगे और ऐसे ही देश का अन्नदाता भी इस वक्त सड़क पर बैठा हुआ है, लेकिन ये वो सड़क नहीं है, बड़ी खास है, वीआईपी है, क्योंकि मेरे इधर बाएं हाथ की तरफ आप देख रहे हैं विज्ञान भवन। ये वही विज्ञान भवन है जहां आपसे एक घंटे के बाद किसानों के डेलीगेशन की और सरकार के बीच की बातचीत होने वाली है। ये वही बातचीत है जिसके ऊपर पूरे देश की नजर है, पूरे देश के किसानों की नजर है, और इसीलिए हमें भी ये लगा अगर किसान और सरकार के बीच में सेतु बनना है तो फिर वो स्टूडियो से नहीं हो सकता है, उसके लिए हमें भी पहुंचना होगा उसी जगह पर जहां सरकार पहुंच रही है, जहां किसान पहुंच रहा है, वो किसान जो बीते कई दिनों से बड़ा परेशान चल रहा था। ये अहम खबर इस वक्त की आप जान लीजिए। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, 60 मिनट का वक्त बचा है, 60 मिनट का वक्त बचा है, और ठीक इसी जगह पर आपको गृह मंत्री मिलेंगे, क्योंकि खबर यह आ रही है कि अमित शाह भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह यहीं पर होंगे, रक्षा मंत्री यहीं होंगे, कृषि मंत्री यहीं होंगे, और उसके साथ वो 32 चेहरे होंगे, 32 किसान चेहरे होंगे जो यहां पर आकर के पूरे देश के किसानों की बात सरकार के सामने रखने वाले हैं। और ये मीटिंग, ये बात, ये मसौदा बड़े लंबे वक्त से चल रहा था, लेकिन निपटारा नहीं हो पा रहा है। अब इस बैठक में क्या कुछ हो सकता है, जी हिंदुस्तान ये आपको बैठक के ठीक पहले बताने वाला है। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊं कि मैं भले ही यहाँ पर विज्ञान भवन में पहुंची हुई हूँ, लेकिन मेरे बाकी सहयोगी जो किसान बैठे हुए सड़कों पर उन्हीं के साथ मौजूद है। ऐसा नहीं है हमने किसानों को छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है। अगर डेलीगेशन यहाँ पर पहुंच चुका है तो फिर वो आम किसान जो राह जोत रहा है, जो राह देख रहा है कि क्या होगा इस सफेद बिल्डिंग के अंदर क्या होगा, ये राह देखने वाले किसानों को हमने छोड़ दिया, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे सहयोगी किसानों के बीच में मौजूद है। टिकड़ी पर प्रत्युष लगातार डेरा जमाए हुए हैं, वहां किसानों के मन में क्या चल रहा है ये आप तक हम पहुंचा रहे हैं लगातार। इसके अलावा सिंघू बॉर्डर पर सुमित इस वक्त मौजूद है, मेरे सहयोगी रमन लगातार गाजीपुर बॉर्डर से साथ दे रहे हैं मेरा, और आप तक ये खबरें पहुंचा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आखिर किसानों के मन में, दिल में क्या कुछ चल रहा है। और इसी के साथ ये भी आपको बताऊं कि यहाँ ये विज्ञान भवन में अगर मैं मौजूद हूँ तो मेरी सहयोगी हर्षा भी यहीं पर है, और हर अपडेट अंदर मीटिंग में क्या कुछ होने वाला है, क्या निष्कर्ष निकल करके सामने आएगा, ये आप तक मैं पहुँचाती रहूँगी। मीटिंग शुरू होने में कुछ वक्त है, उसके पहले इजी हिंदुस्तान आपको बताते हैं मीटिंग में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि ये सूत्रों के हवाले से खबर, अंदर मीटिंग होगी, लेकिन उसके पहले मेरे सूत्र जो बता रहे हैं वो आप तक मैं पहुंचाऊंगी। फिलहाल सिंघू बॉर्डर के मैं रुख कर लेती हूँ, सुमित वहां पर लगातार मौजूद है। सुमित, ये वही सिंघू बॉर्डर है जहां का 32 किसान संगठनों का चेहरा अभी यहाँ किसान भवन में पहुंचने वाला है, वहां किसानों के दिल में क्या है, वो ये मान रहे हैं आज निपटारा हो जाएगा? जी बिल्कुल शालिनी, यहाँ तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब ये खबर आई कि अब किसान जो हैं वो आज 3 बजे मुलाकात करेंगे केंद्र सरकार से, तो यहाँ एक तरह से अनाउंसमेंट भी हो रहा है कि यहाँ क्या कुछ जो है वो बात निकल कर सामने आएंगी। और सबसे अहम बात है कि किसान जो हैं अपनी एक मांग पर अड़े हुए हैं कि जो 3 नए कानून जो सरकार लेकर आई है उसे रद्द किया जाना चाहिए। तो ऐसे में सबसे चुनौतीपूर्ण सरकार के लिए है कि बीच का रास्ता आखिरकार कैसे निकाला जाए, क्योंकि राजनाथ सिंह जो हैं इसको लीड करेंगे इस बैठक को, और काफ़ी अनुभवी नेता माने जाते हैं राजनाथ सिंह, और काफ़ी उनकी पैठ है खासकर किसानों के मुद्दे पर। तो ऐसे में अमित शाह भी इस बैठक का हिस्सा हो सकते हैं, ये भी खबर मिल रही है। तो निश्चित तौर पर यहाँ जो है लोग टकटकी लगाए हुए हैं कि आखिरकार बैठक का नतीजा क्या कुछ निकलता है। तो निश्चित तौर पर अब से करीब 1 घंटे बाद जो है बैठक शुरू हो जाएगी, और 32 जो संगठन हैं उनके एक एक प्रतिनिधि जो हैं वो इसमें शामिल होंगे, और 4 अन्य जो हैं रोक रहे हो क्योंकि बड़ी खबर इसी बीच मिल रही है। वो दर्शकों को हम बता दें इस वक्त की अहम खबर, 32 किसान संगठनों के नेता पहुंच चुके हैं यहाँ पर विज्ञान भवन। नेताओं का आना, किसान नेताओं का आना शुरू हो चुका है, किसान नेता पहुंच चुके हैं विज्ञान भवन। ये बड़ी खबर दर्शकों को इस वक्त की हम बता दें, मीटिंग में अभी वक्त है, लेकिन उसके पहले आप देखिए किसान नेता पहुंच चुके हैं विज्ञान भवन। मेरे सहयोगी मैं हर्षा का इस वक्त रुख कर लेती हूँ। हर्षा, क्या जानकारी आपके पास?
देखिए शालिनी, मैं बताऊं इस वक्त मैं विज्ञान भवन के बाहर ही मौजूद हूं। किसानों का आना शुरू हो चुका है, जो किसान नेता इस प्रतिनिधि मंडल में रहेंगे उनका आना शुरू हो चुका है धीरे धीरे, क्योंकि किसानों ने पहले ही कहा था कि हम समय से पहले पहुंच जाएंगे। जो समय सुनिश्चित किया गया है 3 बजे, उससे कहा गया था पहले ही पहुंच जाएंगे, इसीलिए किसानों का आना शुरू हो चुका है। किसान नेताओं का काफी हद तक, यानी कि 6 से 7 जो किसानों का डेलीगेशन है, जो पहले यूनियन के लोग है, वो आ चुके हैं। वो किसी भी समय अंदर जाएंगे, अभी वक्त अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। उसके बाद लमसम 3 बजे की बैठक शुरू होगी। लमसम 2:30-3 बजे जो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर वो पहुंच जाएंगे, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पे पहुंचेंगे, पीयूष गोयल यहां पर पहुंचेंगे। ये तीनों मौजूद होंगे वार्ता में, और ये वार्ता बेहद इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार जो भ्रम और जो कंफ्यूजन किसानों के दिमाग में बना हुआ है कृषि कानून को लेकर के, आखिरकार वो जो भ्रम है वो आज टूटता है कि नहीं टूटता है। जो किसान है वो कन्विंस होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि ये इनके मुखिया ही है जो यहाँ से जो वार्ता होगी वो सीधा लेकर के जाएंगे अपने किसान भाइयों के पास कि आखिरकार बैठक में क्या निकला। लमसम कुछ समय, कुछ वक्त और, लमसम 1 घंटे का समय और, जिसके बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। लेकिन नेताओं का आना शुरू हो चुका है शालिनी। बिल्कुल हर्षा, और मुझे लगता है मुझे दर्शकों को वो तस्वीर दिखा देनी चाहिए, वो दरवाजा मुझे लगता है मुझे दर्शकों को दिखा देना चाहिए। ये देखिए मेरे पीछे आप इस वक्त विज्ञान भवन देख रहे हैं, और वो मैं कैमरा पर्सन को कहूंगी वो गेट नंबर वो 2 दिखाएं। ये देखिए आपको यहाँ पर प्रवेश लिखा हुआ, इन लिखा हुआ दिखाई देगा, और ये वही दरवाजा है जिसके अंदर से अब से बस कुछ ही मिनट के बाद तमाम जो किसान नेता है उनका प्रवेश होना शुरू होगा। ये वही दरवाजा है जिससे अंदर जा करके किसान अपने दिल का हाल कहेंगे। ये दरवाजा महज अंदर जाने का रास्ता नहीं है, किसानों के दिल की जो बात है उसे पहुंचाने का रास्ता है। ये दरवाजा वो जरिया है जो बीते कई दिनों से सरकार और किसान नेताओं के बीच जो एक दूरी बनी हुई थी उसे दूर करेगा। और इसीलिए लगातार विज्ञान भवन के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूं। जो गहमा गहमी यहां की है वो भी लगातार आप तक हम दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं कि देखिए यहां पर तैयारी हो चुकी है, और इस तैयारी किस निष्कर्ष तक पहुंचती है, क्या आज हो जाएगा सरकार और जो कृषि जो किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके दिलों का मेल हो जाएगा। क्योंकि इतना तो आप समझ लीजिए कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि ये कृषि कानून हम लेकर के आए किसानों के भले के लिए, इसमें अहित नहीं है उनका, कुछ लोग हैं जो उन्हें भरमाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। मतलब आप ऐसे समझिए कि अभी जो 3 बजे यहाँ पर मीटिंग होगी उसमें पहली अहम बात किसानों को आश्वासन दिया जाएगा MSP के लिए, यह आश्वासन जरूर दिया जाएगा। दूसरी अहम बात जो अंदर मीटिंग में हो सकती है 3 बजे, वो ये है कि मंडी खत्म नहीं हो रही है, ये बताया जाएगा, ये किसानों को बताया जाएगा कि जो भ्रम फैला रहा है उसकी बातों में आप ना आए। इसके अलावा ये जो 3 कृषि कानून है इसका पूरा ब्यौरा दिया जाएगा, विस्तार से समझाया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ किसान नेता या किसान अब तक समझ नहीं पाए कि दरअसल इसके पीछे उनका हित क्या छुपा हुआ है। तो ये तमाम बातें सरकार अपनी तरफ से बताएगी, स्पष्टीकरण देगी, और बार बार ये शब्द स्पष्टीकरण शब्द, और हम बताएंगे जताएंगे जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, उसके पीछे का लबोलुबाब यही है कि ये जो 3 कृषि कानून आने वाले हैं वो अभी सरकार रद्द करने की बात नहीं करेगी, समझाएगी ये कैसे आपके भले के लिए है, और MSP के ऊपर जरूर एक आश्वासन दिया जाएगा। सुमित का मैं जरा एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ, रमन भी है मेरे साथ, प्रत्युष भी है। अभी सुमित मैं आपके पास आई थी इसलिए अब मैं जरा रमन का रुख कर लेती हूँ। रमन, ये गाजीपुर बॉर्डर के जो किसान है, क्योंकि इतना तो अब स्पष्ट हो चुका है कि सबकी मांगे एक है, किसानों की मांग अलग अलग नहीं है, तो अभी फिलहाल यहाँ वो आश्वस्त चेहरे क्या नजर आ रहे हैं कि हाँ बस 3 बजे हमारा काम आज हो जाने वाला है? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अभी अगर मैं एक नया अपडेट बता दूँ तो पप्पू यादव हैं, वो भी पार्टी के समर्थन में यहाँ पहुँचे हैं, राकेश टिकैत से वो मिले हैं अपने समर्थकों के साथ, वो भी उनके किसान आंदोलन के सपोर्ट में यहाँ पर जमा हुए, और उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से साथ देंगे इस किसान आंदोलन का। अब अगर कार्यकर्ताओं नेताओं की बात करें तो थोड़ी नाराजगी है इस बात को लेकर कि भाई उनके प्रतिनिधि को नहीं बुलाया, लेकिन उनका कहना है कि जो भी किसान के मुद्दे की बात होगी, किसानों को लेकर जो भी बात होगी, अगर वो पूरी होती है तो उनको कोई परेशानी नहीं है, वो इस बात को मान लेंगे, लेकिन अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं या किसानों को समझाया नहीं जाता, जो की बातें हैं उन्हें नहीं सुना जाता और स्थिति वही रहती है जो पहले थी, तो फिर वो यहाँ से हटने वाले नहीं है, वो यहाँ पर धरना करके बैठे हुए हैं और वो लंबे समय तक। मैं रोक रही हूँ रमन, आपको मैं रोक रही हूँ, बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है रमन, बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है, पप्पू यादव का सरकार के ऊपर बड़ा निशाना दिखाई दिया है। पप्पू ये कहा है कि किसान आर पार के मूड में आ चुके हैं, यह अहम खबर दर्शकों को इस वक्त की हम बता रहे हैं। पप्पू यादव का ये बड़ा बयान कि किसान अब सरकार के साथ आर पार
बार के मूड में नजर आ रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ तो 3 बजे मीटिंग होनी है, बैठक होनी है, बीच में रजामंदी और सहमति का कोई रास्ता निकालना है, और उधर दूसरी तरफ कुछ ऐसे राजनीतिक भी बैठे हैं, पप्पू यादव जैसे, जो स्पष्ट रूप से सरकार को ये चेता रहे हैं कि किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है। समर्थन के लिए पहुंचे हैं आप यहाँ पर, किस तरह की बातें हुई और जो मीटिंग्स हैं, सरकार तो बातचीत की बात कर ही रही है। भैया क्या बातचीत कर रही है आप? ये क्या है? आप एक तरफ जमाखोरों को राइट दे दिए, एक तरफ पूंजीपतियों को पूरा राइट दे रहे हैं, पूरा का पूरा राइट, और तीसरी तरफ आप 12,000 खुदरा व्यापार पर आपकी नजर है, और चौथी तरफ आप धमकाते भी हैं, आप पुचकारते भी हैं, आप एफआईआर भी लॉन्च करते हैं, और किसान सड़क पर है पूरा भारत। ये राकेश जी हैं, 3 दिन से लगातार सड़क पे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनकी 3 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं यहाँ पर। तो ये बताइए कि ये तो बातचीत के जरिए ही हल मांगेंगे ना, हंगामा करके क्या होगा? मुझे तो समझ में नहीं आता है भैया, हंगामा तो आप कर रहे हो ना जाकर के हैदराबाद में, कभी बनारस में आप, तब आपको नजर नहीं आता है। जान बनारस की बात से बात कर रहा हूँ तो ये क्लियर हो गया कि वो बिल वापस तो नहीं होने वाला है सर। तो किसान तय कर लेगा भारत का कि किसान सत्य पे है कि सरकार झूठ पे है, किसान तय कर लेगा, और किसान मन बना चुकी है, और किसान के साथ भारत के करोड़ों यूथ, भारत का करोड़ों मजदूर और 130 करोड़ लोग जो आप बेचना चाहते हो पूरी दुनिया के पूंजीपतियों के हाथ, जब तक वो कानून वापस नहीं होता है और जब तक आप कोऑपरेटिव सिस्टम के माध्यम से आप मंडी को नहीं लाते हैं और किसानों के फसल की कीमत का अधिकार पूरा का पूरा आप किसानों के हाथ में नहीं देते हैं, तब तक यह किसानों के साथ छलावा होगा। एक सवाल है राकेश जी, जो आपकी पार्टी है राजनीतिक पार्टी है, पप्पू यादव जी एक राजनीतिक पार्टी से आते हैं, कहीं राजनीतिकरण तो नहीं हो जाएगा इस तरह के समर्थन से? नहीं, समर्थन से कैसे राजनीतिकरण हो जाएगा? जब पहला आंदोलन होते थे, कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी के लोग आते थे, भाई विपक्ष तो आएगा, अगर समस्या होगी तो विपक्ष का काम है कि वो हाउस में भी मुद्दा उठाएगा और सड़क पर भी उठाएगा। आप ये समर्थन लेंगे इन सारी पार्टी? हाँ, समर्थन तो लेंगे, समर्थन तो देने जो आ रहा है लेंगे उसका। तो ये चलिए, ये पप्पू यादव जी हैं जो कि यहाँ पहुंचे थे किसान आंदोलन पर। तो मेरे सहयोगी रमन को ये आपने सुना, उनके साथ राकेश टिकैत भी मौजूद है, उनके साथ पप्पू यादव भी थे, और पप्पू यादव किस तरह से भड़काने का काम कर रहे थे ये आपने सुना। इसमें उन्होंने युवाओं को भी जोड़ दिया, इसमें उन्होंने बेरोजगारी को भी जोड़ दिया, इसमें उन्होंने इस बात को भी जोड़ दिया कि हमें आप ये बता दें कि मंडी सिस्टम खत्म नहीं होने वाला है। मतलब एक तरफ अब से कुछ ही मिनट के बाद इसी विज्ञान भवन के अंदर मीटिंग होने वाली है, और वही दूसरी तरफ अभी भी जब बीच का एक रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, तो अभी भी पप्पू यादव जैसे लोग हैं जो किसानों के बीच में पहुंच करके उन्हें भड़काने का काम कर रहे हैं। आर पार की लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई के मूड में किसान बैठ चुका है, इन शब्दों का इस्तेमाल पप्पू यादव की तरफ से किया जा रहा है, और साथ के साथ कई दूसरे मुद्दे भी इसमें जोड़ने की कोशिश की जा रही है, वो मुद्दे जिनके ऊपर अभी इस 3 बजे की मीटिंग में चर्चा नहीं होने वाली है। असल मुद्दा, असल समस्या जो है अभी फिलहाल इस विज्ञान भवन में, उसी को सुलझाने का काम किया जाएगा। मैं प्रत्युष का रुख कर लेती हूँ, क्योंकि टिकड़ी बॉर्डर पर इस वक्त प्रत्युष मौजूद है, और प्रत्युष हम तो देखिए यही उम्मीद कर रहे हैं कि अन्नदाता जो देश का इतने दिन से परेशान चल रहा है, आज अच्छा हर्षा के पास कोई इस वक्त बड़ी अपडेट है? हर्षा, ओवर टू यू, क्या बड़ी खबर? शालिनी, देखिए मैं इस वक्त उन किसानों के साथ हूँ जो प्रतिनिधि मंडल में है, वो सब इंतजार कर रहे हैं समय का, जो 3 बजे का जब अंदर जाएंगे। सर आप एक बात बताइए, आप लोग इंतजार कर रहे हैं, पहुंच चुके हैं, लेकिन एक बात तो आज बैठक से जेपी नड्डा के आवास में जो बैठक हुई थी उससे एक बात जो साफ निकली है कि कानून तो वापस नहीं होगा, लेकिन आप लोग को समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी? देखिए ये तीसरी बैठक है, दो पहले हो चुकी है जो बेनतीजा रही है, और समझाने की कोई बात नहीं, हम लोग समझे हुए हैं। हमारी जो मांग है वो मांग है, वो मांग पूरे देश की है, केवल कुछ किसानों की नहीं है। हमारी मांग है तीनों बिल वापस किए जाएं। लेकिन यही तो बात हो रही है ना, आप लोगों को समझाया जाएगा कि आपके हित में है, कानून वापस नहीं होगा, सरकार की तरफ से ये चीज रिजिड है। सरकार को समझना होगा, हम समझे हुए हैं, किसान समझे हुए हैं। लेकिन अगर सरकार ये कहती है कि MSP नहीं हटेगा, मंडी सिस्टम खत्म नहीं होगा, तब भी आप लोग नहीं मानेंगे? नहीं, इसका लिखित क्या है, इसका लिखित कुछ दीजिए, अपना जो बिल लाए हैं उसमें लाइए इसको, अमेंडमेंट कीजिए इसको, फिर बाद में सोचा जाएगा। अच्छा, आज आप लोग जो आए हैं, आप लोग के प्रतिनिधि मंडल में कितने यूनियन हैं जो पंजाब के हैं, कितने हरियाणा के, क्योंकि यूपी से तो कोई आमंत्रित नहीं किया गया है? इसमें 32 यूनियन हैं,
जो पंजाब से हैं, और 7 मेंबर हमने बनाए थे जिसमें मध्य प्रदेश से एक है, एक हरियाणा से है गुरनाम सिंह चलोनी 34, और एक दिल्ली से है, वो रहेंगे इसमें। लेकिन सर मेरा समझना, मैं यही समझना चाहती हूँ, फ्लोर ऑफ द हाउस में जब एक कानून बन चुका है, अगर अमेंडमेंट नहीं होता है, लेकिन मौखिक रूप से अगर प्रधान सेवक खुद आप लोगों से कह रहा है कि एमएसपी नहीं हटेगा, क्या तब भी आप सिंधु बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे? देखिए, ये प्रधान सेवक मेरी जिंदगी में इससे बड़ा झूठा आदमी मैंने नहीं देखा कहीं। आप प्रधानमंत्री को झूठा बोल रहे हैं? बिल्कुल बोल रहा हूँ, झूठ बोलता है, हर बात में झूठ बोलता है। एमएसपी दिया नहीं, डेढ़ गुना दाम दिया नहीं दिया, कर्जे माफ किए नहीं किए, क्या है 15 लाख आपकी जेब में आया? 15 लाख का कहाँ था आपकी जेब में आया? आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी जेब में आया नहीं आया, क्या है सच कहाँ है? लेकिन अभी तो किसानों को उन्होंने, अमित शाह ने, गृह मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने, सबने आश्वासन दिया ना, आप लोग के साथ कोई भी गलत नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं। जब ये लिखित में अपना कानून बना रहे हैं तो लिखित में सब कुछ काम कीजिए ना। लेकिन ऐसे सिंधु बॉर्डर पे कब तक आप डटे रहेंगे, कब तक बैठे रहेंगे? 5 बॉर्डर है, ठीक है, गाजीपुर, बिलासपुर, ठीक है। हर्षा मैं लौटूंगी आपके पास, मैं आपके पास लौटूंगी। और ये जो मन में असंतोष है, ये इसलिए भी समझना होगा क्योंकि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2006 में आई थी और उस वक्त से एमएसपी की बात लगातार की जाती रही है। लेकिन वो सरकार भले यूपीए क्यों, क्योंकि देखिए 2014 तक तो यूपीए की ही सरकार थी ना, और उस वक्त एमएसपी की मांग बड़ी पुरानी आई है किसानों की, और इसलिए ये रोष हम समझ सकते हैं। लेकिन टिकड़ी बॉर्डर पर अभी क्या हाल है, ये मेरे सहयोगी प्रत्युष क्योंकि वहां पर मौजूद है, आपको बताएंगे। प्रत्युष, अभी टिकड़ी बॉर्डर का किसान क्या कह रहा है, 3 बजे की बात जो रहा होगा वहां पर बैठा हुआ भी किसान? देखिए, सारे किसान जो हैं इंतजार कर रहे हैं कि 3 बजे की जो बैठक शुरू होगी, चूंकि 32 प्रतिनिधि उसमें हिस्सा लेंगे, 32 यूनियन के किसान नेता उसमें शामिल होंगे, तो हो सकता है कि ये बैठक लंबी चलेगी और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि उस बैठक का नतीजा क्या निकला। लेकिन जहां एक तरफ बैठक हो रही है और लोग ये उम्मीद कर रहे हैं, ये लोग ये आस लगाए बैठे हैं कि इस बैठक से कोई हल निकले, जो जहां वाली स्थिति है देश की राजधानी की, चूंकि बॉर्डर सब सील है, आम लोगों को भी दिक्कत हो रही है, सिर्फ किसान भाइयों को दिक्कत नहीं हो रही है, आम लोगों को भी दिक्कत हो रही है, तो सवाल ये है कि इसका हल कैसे निकलेगा। इस बीच आपने देखा पप्पू यादव वहां पर पहुंचे, कह रहे हैं हरपड़ की लड़ाई है। सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के नेता विधायक यहां पर पहुंचे हैं, उनसे हमने बातचीत की, वो हमने कहा कि आप इस कदम का वेलकम करते हैं, बोले जी वेलकम है, लेकिन हमें सरकार की नीयत पर संदेह है। वो कह रहे हैं कि हमें नहीं लगता कि ये बातचीत होगी सफल ढंग से होगी, क्योंकि सरकार बातचीत का नाटक कर रही है। हमने कहा कि सरकार कह रही है कि विपक्ष भ्रम पैदा कर रहा है कानून को लेकर, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कानून ही दरअसल में गलत है, हम कोई भ्रम पैदा करने की बात जो है वो गलत है। वो कह रहे हैं कि ये आंदोलन लगता नहीं कि इतनी जल्दी खत्म होगा, इसका कोई हल निकलेगा, आम आदमी पार्टी किसान के आंदोलन के साथ खड़ी हुई है। अब सवाल ये है कि एक तरफ बातचीत चल रही है, किसान नेता इसमें शामिल हो रहे हैं, देखिए 32 प्रतिनिधि है, 32 किसान यूनियन के नेता है। हालांकि कहा यह गया था कि ये संगठन जो छोटे छोटे जुड़ रहे हैं, 100 से लेकर 150 संगठन इसमें है, हो सकता है कुछ लोगों की आपत्ति है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि यूपी के किसानों को साहब आपने इग्नोर कर दिया, हमारी तो कोई बात ही नहीं रखी जाएगी। 32 जो किसान संगठन के नेता वहां पर शामिल हो रहे हैं, उसमें पंजाब और हरियाणा के किसान है, यूपी के किसानों को, वेस्टर्न यूपी के किसानों को आपने छोड़ दिया, हमें भी इसमें शामिल करना चाहिए। देखिए अभी आज की बैठक में क्या कुछ होता है ये। मैं प्रत्युष रोक रही हूँ, प्रत्युष आपको रोक रही हूँ। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर इस वक्त पहुंचे हुए किसानों के बीच में, पप्पू यादव इसके पहले पहुंचे थे, आप चंद्रशेखर पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आप लोगों को दिखा देते हैं। अभी फिलहाल जो तमाम किसान बैठे हुए सड़कों के ऊपर, उनके बीच में आप ये आप देखिए, और उन्हें बरगलाने के लिए और शायद मामले को घुमाने के लिए, आशंकाएं बढ़ाने के लिए आप तमाम नेता इतने दिन के बाद आज जब ये मीटिंग होने वाली है तब किसानों के बीच में पहुंच रहे हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर की फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने, किसानों के बीच दर्द बांटने के लिए आप पप्पू यादव चंद्रशेखर पहुंच रहे हैं इतने दिन के बाद। अभी तक जब किसान सड़कों पर बैठा हुआ था तो ये नेता नदारद थे, आज जब एक हल निकालने की कोशिश हो रही है, आज जब विज्ञान भवन के अंदर पहुंचना शुरू हो चुका है डेलीगेशन जो किसान नेताओं का है, तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो जब अब विचार विमर्श कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अब चंद्रशेखर आजाद को याद आ रहा है किसानों के बीच जाना, अब पप्पू यादव को याद आ रहा है किसानों के बीच जाना, इसके पीछे की मंशा और इसके पीछे की सोच को भी समझना जरूरी होगा। यहाँ पर मैं तुरंत
चंद्रशेखर पहुंचे हुए हैं। रमन, बड़ी देर से याद आई इन नेताओं को किसानों की? देखिए बिल्कुल शालिनी, इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और ये देख सकते हैं आप ठीक सामने, आपको यहाँ पर नीले रंग के झंडे लहराते हुए नजर आएंगे और चंद्रशेखर यहाँ पहुंच चुके हैं। उससे पहले पप्पू यादव पहुंचे। पप्पू यादव जो कि अच्छी तरह से जानते हैं कि बिहार से लगातार मजदूर हरियाणा और पंजाब में काम करने आते हैं, लेकिन उनकी आवाज उन्होंने कभी नहीं उठाई, लेकिन आज वो यहाँ समर्थन के लिए पहुंचे और यहाँ पर चंद्रशेखर भी पहुंचे हैं अपने लोगों के साथ, अपनी पार्टी के साथ। ठीक सामने आप लहराते हुए झंडे देख सकते हैं, उनकी फोटो लगे हुए झंडे यहाँ पर देख सकते हैं। और जिस तरह से राकेश टिकैत ने भी कहा कि उन्हें हर तरह का समर्थन मंजूर है, तो हो सकता है कि अब लगभग हर पार्टी के लोग, विपक्ष के लोग यहाँ पर पहुंचे। और जो किसान आंदोलन जिसमें लिखा भी गया यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक पार्टी, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग लेते हुए भी यहाँ पर नजर आए, क्योंकि जो विपक्ष के लोग आएंगे, अलग अलग पार्टियों के लोग आएंगे, अलग अलग आइडियोलॉजी को मांगने वाले लोग यहाँ पर आएंगे, तो उसका राजनीतिकरण होना तय है, क्योंकि फिर सिर्फ किसान के मुद्दे नहीं रह जाएंगे, फिर सिर्फ किसान की बात नहीं रह जाएगी। उनके साथ जिस पार्टी का आप समर्थन दे रहे हैं, उस पार्टी का रंग भी इस आंदोलन में घुलता हुआ आपको दिखता हुआ नजर आएगा। तो इस वक्त ये देख सकते हैं आजाद समाज पार्टी भाई लोगों का यहाँ पर पहुंचे हुए, वो क्या क्या रहे रमन, वो क्या कह रहे हैं यहाँ पहुंच करके किसानों से? चंद्रशेखर भी पहुंचे हैं, क्या है बात? ये किसान भाइयों को समर्थन देने के लिए चंद्रशेखर भाई जी यहाँ पे आए हुए हैं, जो कि अपना पूरा तन मन धन से समर्थन देंगे। तो ये देखा इनके पार्टी के लोग हैं और सामने उनका भाषण चल रहा है, तो उनका कहना है कि पूरे तन मन धन से वो समर्थन देने यहाँ पर आए हैं, अपने लोगों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और पूरा समर्थन वो इस आंदोलन को देंगे। तो ये जो आंदोलन था, जो कि आंदोलन था, इसके पहले दो बार मीटिंग और हो चुकी है। किसान पंजाब का तो पटरियों पर दो महीने से बैठा हुआ है, तब ये किसान नेता कहाँ थे? और खास करके पप्पू यादव, बिहार के किसानों के लिए तो सबसे ज्यादा हित का ये तीनों कानून है, अगर वो भी बरगलाने चले आए तो ये बड़ी शर्मनाक तस्वीर है। आप तीनों ही मेरे साथ सुमित, रमन और प्रत्युष बने रहिए, छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, लेकिन इसी विज्ञान भवन पर और यही हम मौजूद रहेंगे लगातार। अंदर क्या कुछ चल रहा है इस बड़ी बिल्डिंग के अंदर, आप तक तस्वीरें और खबर पहुंचाएंगे। छोटा सा ब्रेक, लौट रहे तुरंत। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।